प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में आयोजित दो दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। कहा, सॉल्यूशन, इवोल्यूशन और इनोवेशन का आधार है विज्ञान। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को जमकर सेलिब्रेट करने का किया आग्रह। भाजपा ओबीसी मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक जोधपुर में शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठक में लिया हिस्सा। भाजपा के ओबीसी मोर्चा के सभी पदाधिकारी बैठक में करेंगे मंथन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से सऊदी अरब की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर। विदेश मंत्री के रूप में उनकी ये पहली सऊदी अरब यात्रा। समकक्ष के साथ राजनीति, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग समिति बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुरू। तीन दिवसीय बैठक में संघ से जुड़े अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी लेंगे भाग। भाजपा सहित संघ के 36 संगठनों के प्रतिनिधि सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों सहित कई विषयों पर करेंगे विचार। किंग चार्ल्स तृतीय को आज आधिकारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया जाएगा। किंग चार्ल्स के स्वागत के लिए बकिंघम पैलेस के बाहर उमड़ा जनसैलाब। अपने संबोधन में किंग चार्ल्स ने जीवन भर राष्ट्र सेवा करने का लिया संकल्प। और यूएस ओपन में नॉर्वे के कैस्पर रूड और स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अलकराज के बीच होगी पुरुष एकल के खिताबी भिड़ंत। सेमीफाइनल में कैस्पर ने रूस के कारेन केचनेव को हराया जबकि अलकराज ने अमेरिकी फ्रांसिस टियाफोए को दी मात। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हुरमा त्यागी, लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में आयोजित दो दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी संघवाद के तहत केंद्र और राज्य के बीच समन्वय और सहयोग तंत्र मजबूत करना और प्रदेश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के एक सशक्त इकोसिस्टम का निर्माण करना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, समाधान और नवाचार का आधार विज्ञान ही है। इसी प्रेरणा से आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। ज्ञान जब विज्ञान के साथ जुड़ता है, जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा परिचय होता है, तो संसार की सभी समस्याओं और संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। समाधान का, सॉल्यूशन का, इवोल्यूशन का और इनोवेशन का आधार विज्ञान ही है। इसी प्रेरणा से आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हम वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का बखान करते हैं तो विज्ञान हमारे समाज का हिस्सा बन जाता है। पीएम ने कहा कि हमें वैज्ञानिकों का गौरवगान और महिमा मंडन करना चाहिए। जब हम अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करते हैं तो साइंस हमारे समाज का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है, वो पार्ट ऑफ कल्चर बन जाती है। इसलिए आज सबसे पहला आग्रह मेरा यही है, आप सभी राज्यों से आए हुए लोग हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम अपने देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को जमकर के सेलिब्रेट करें, उनका गौरवगान करें, उनका महिमा मंडन करें। कदम कदम पर हमारे देश के वैज्ञानिक हमें अपनी खोज के द्वारा इसका अवसर भी दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड टीकाकरण अभियान में वैज्ञानिकों की भूमिका बहुत ही अहम है। पीएम ने कहा, आज देश में टीकाकरण का आंकड़ा 200 करोड़ के पार कर गया है। इसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत अगर कोरोना की वैक्सीन विकसित कर सका है, 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगा सका है, तो उसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कितनी बड़ी ताकत है। ऐसे ही आज हर क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिक कमाल कर रहे हैं। भारत के वैज्ञानिकों की हर छोटी बड़ी उपलब्धि को सेलिब्रेट करने से देश में साइंस के प्रति जो रुझान पैदा होगा, वह इस अमृत काल में हमारी बहुत मदद करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस अमृत काल में भारत को अनुसंधान और नवाचार का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए हमें एक साथ कई मोर्चों पर काम करना है। इस अमृत काल में भारत को रिसर्च और इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए हम सबने एक साथ मिलकर के अनेक मोर्चों पर काम करना है। अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च को हमें लोकल स्तर पर लेकर जाना है। आज समय की मांग है कि हर राज्य अपनी स्थानीय समस्याओं के हिसाब से स्थानीय समाधान तैयार करने के लिए इनोवेशन पर बल दे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निरंतर विज्ञान और नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिसके परिणाम स्वरूप आज देश के हर घर में तकनीक पहुंच चुकी है। आपने अनेकों ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए जिनको लेने का शायद पिछली सरकारों में साहस ना था। ये आप ही के कार्यकाल में संभव हुआ कि अंतरिक्ष। और आपको सीधे ले चलते हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कर्नाटक की भाजपा सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर आयोजित जनस्पंदन रैली को संबोधित कर रही हैं। सीधे ले चल रहे हैं आपको बेंगलुरु ग्रामीण के डोबालपुर, सीधे दृश्य। चाहे वो बुमाई जी हो, चाहे नलिन जी हो, चाहे येडियुरप्पा जी हो या सीटी रवि जी, सबने भारतीय जनता पार्टी की विशिष्टता कार्यकर्ताओं के सामने प्रस्तुत की इस अभिलाषा के साथ कि इस मंच से हम सब संकल्प करें कि आगामी चुनाव में इस पुण्य भूमि पर एक बार फिर कमल का फूल खिलेगा और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। अगर ये संकल्प हम सब लेते हैं तो मुट्ठी भांज कर हाथ उठाकर बोलो भारत माता की। ये संकल्प का मंच है, ये संग्राम का मंच है। नलिन जी ने अपने भाषण में उल्लेख किया कांग्रेस पार्टी का, बोमाई जी ने अपने भाषण में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व द्वारा प्रदेश में क्या दुर्दशा हुई नागरिकों की, उस पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। लेकिन आज इस मंच को मैं संग्राम का मंच इसलिए कह रही हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने गांधी खानदान के राजकुमार, उसके नेतृत्व में एक नया रूप धारण किया है। राष्ट्र के सम्मुख ये ढोंग किया कि भारत को जोड़ने की वो एक किवायत कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र को तोड़ने के उनके इरादे अब हिंदुस्तान के सामने जाहिर हो रहे हैं। आज पहले इस मंच से भारतीय जनता पार्टी के एक एक
कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए कि जब कांग्रेस पार्टी केंद्र में सरकार में थी तो इस प्रदेश कर्नाटका के साथ कांग्रेस पार्टी ने भेदभाव क्यों किया। आज आपको ये बतलाते हुए मुझे गौरव है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई तब नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटका को अपना आश्वासन दिया था कि जो पक्षपात कांग्रेस पार्टी ने किया वो पक्षपात अब नहीं होगा। डबल इंजन की सरकार का महत्व जनता समझ चुकी है और इसका परिणाम सुखद जनता के पास पहुंचेगा। इसलिए आज कांग्रेस के नेतृत्व से पूछना जरूरी है कि जब आपकी केंद्र में सरकार थी तब साल 2009 और 10 में फाइनेंस कमीशन के माध्यम से आपने कर्नाटक में मात्र 2000 करोड़ क्यों भेजा। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात का गौरव कर सकता है कि केंद्र की कांग्रेस की सरकार के जाने के बाद मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद फाइनेंस कमीशन के माध्यम से प्रदेश में मात्र एक वर्ष में 5000 करोड़ रुपया अगर किसी ने दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कर्नाटक प्रदेश में हाईवे और रोड बनाने के लिए कितना पैसा दिया। आज ये हमारा गौरव है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये जानते हैं कि मात्र 2022 में प्रदेश में रोड और हाईवे बनाने के लिए 9700 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। आज ये कहते हुए मुझे गौरव की अनुभूति होती है कि 2022-23 के अंत तक 20 ऐसे नए प्रोजेक्ट्स कर्नाटका में शुरू होने के लिए हम सतत्पर हैं जो भारत सरकार की मोदी सरकार के समर्थन में राज्य की सरकार और राज्य की जनता को दिए जाएंगे। इन 7 सालों में मोदी सरकार के माध्यम से मात्र नेशनल हाईवे के अंतर्गत 37,000 करोड़ रुपया मात्र और मात्र प्रदेश की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। भारत माला प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1600 किलोमीटर के नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट 55,000 करोड़ की लागत से प्लान किए जा रहे हैं। आप देख रहे थे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संबोधन का सीधा प्रसारण। और आगे बढ़ने से पहले आप ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज देश का प्रयास है कि नेताजी की वो ऊर्जा देश का पथ प्रदर्शन करे। कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिभा इसका माध्यम बने। ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक राजस्थान के जोधपुर में आज से शुरू हो गई। इस 2 दिवसीय बैठक में मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। बैठक में पहुंचने पर अमित शाह का जोरदार स्वागत किया गया। इससे पहले गृह मंत्री ने जैसलमेर में विजय स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की।
गृहमंत्री अमित शाह ने जैसलमेर में केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमा पर्यटन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत श्री तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र और हिमाचल की सरकार जन कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की इस सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं लगा है। जो कांग्रेस के समय खजाने में पैसा आने के बजाय उस समय खाने का काम वो करते थे, हमने 8 साल पहले कहा था मोदी जी की सरकार बनाओ, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। आज 8 साल के बाद आपके सामने सिर खड़ा करके, सिर ऊंचा करके बात कर सकता हूं कि पिछले 8 साल में 1 रुपए का घोटाला भी मोदी सरकार में नहीं हुआ है। हमने केंद्र में भी ईमानदार सरकार दी, हमने प्रदेश में भी ईमानदार सरकार दी। केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में जयराम जी ने हर तरह की सुविधाएं देने का काम किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हम आजादी के 75 वर्ष भी मना रहे हैं और अंग्रेजों को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनने का इतिहास भी बना रहे हैं मेरे भाई और बहनों। जब कोविड से बाहर निकलकर आए तो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कौन बनी? नंबर 1 पर हिंदुस्तान का नाम आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अंत्योदय के मंत्र के साथ 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस जन आंदोलन में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्षय मित्र बनाकर टीबी रोगियों की मदद करने के लिए आप आगे आए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने टीबी की गंभीरता को समझा और 2025 तक भारत से टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य तय किया, जो कि वैश्विक लक्ष्यों से 5 साल पहले है। इस ध्येय को हर एक व्यक्ति और परिवार तक ले जाने के लिए हमने टीबी के विरुद्ध एक जन आंदोलन का प्रारंभ किया। निक्षय मित्र बनकर आप उनके पोषण और व्यवसाय के प्रति मदद करके आप टीबी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को निर्णायक रूप दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में यूरिया मुद्दे पर आज फॉलोअप बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन जिलों में खाद की जरूरत है उनमें खाद की कमी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए और मामले की सही से जाँच हो। आज से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुरू हो गई। इस 3 दिवसीय बैठक में संघ से जुड़े अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। बैठक में आरएसएस से जुड़े 36 संगठनों के प्रतिनिधि सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों सहित कई विषयों पर विचार करेंगे। बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले सहित प्रमुख पदाधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। बैठक में संघ से जुड़े प्रमुख संगठन अपने अपने कार्य और उपलब्धियों पर प्रस्तुति देंगे और कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
और अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 5,554 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 6,332 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.70% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.80% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.47% दर्ज किया गया है। और देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी, और किंग चार्ल्स तृतीय का आज आधिकारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट उन्हें घोषित किया जा रहा है। सीधे आपको लंदन ले चलते हैं। बिजनेस फॉर पार्ट टू ऑफ द काउंसिल, योर मैजेस्टी टू मेक योर डिक्लेरेशन। My lords, ladies and gentlemen, it is my most sorrowful duty to announce to you the death of my beloved mother, the Queen. I know how deeply you, the entire nation, and I think I may say the whole world, sympathize with me in the irreparable loss we've all suffered. It is the greatest consolation to me to know of the sympathy expressed by so many to my sister and brothers, and that such overwhelming affection and support should be extended to our whole family in our loss. To all of us as a family, as to this kingdom and the wider family of nations of which it is a part, my mother gave an example of lifelong love and of selfless service. My mother's reign was unequaled in its duration, its dedication, and its devotion. Even as we grieve, we give thanks for this most faithful life. I am deeply aware of this great inheritance and of the duties and heavy responsibilities of sovereignty which have now passed to me. In taking up these responsibilities, I shall strive to follow the inspiring example I have been set in upholding constitutional government and to seek the peace, harmony, and prosperity of the peoples of these islands and of the Commonwealth realms and territories throughout the world. In this purpose, I know that I shall be upheld by the affection and loyalty of the peoples whose sovereign I have been called upon to be, and that in the discharge of these duties, I will be guided by the counsel of their elected parliaments. In all this, I am profoundly encouraged by the constant support of my beloved wife. I take this opportunity to confirm my willingness and intention to continue the tradition of surrendering the hereditary revenues, including the Crown Estate, to my government for the benefit of all, in return for the sovereign grant, which supports my official duties as head of state and head of nation. And in carrying out the heavy task that has been laid upon me, and to which I now dedicate what remains to me of my life, I pray for the guidance and help of Almighty God. I have with humble duty to crave Your Majesty's permission for the publication of Your gracious speech. Approved. Concerning the security of the Church of Scotland. I understand that the law requires that I should, at my accession to the Crown, take and subscribe the oath relating to the security of the Church of Scotland. I am ready to do so at this first opportunity.
I, Charles III, by the grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and of my other realms and territories, King, Defender of the Faith, do faithfully promise and swear that I shall inviolably maintain and preserve the settlement of the true Protestant religion as established by the laws made in Scotland in prosecution of the claim of right, and particularly by an act entitled An Act for Securing the Protestant Religion and Presbyterian Church Government, and by the acts passed in the Parliament of both kingdoms for union of the two kingdoms, together with the government, worship, discipline, rights, and privileges of the Church of Scotland. So help me God. I now invite Your Majesty to subscribe both copies of the instrument, confirming the oath has been taken. I now invite the witnesses to His Majesty's oath to sign both copies of the instrument. Thank you.
draft of an order in council authorizing your majesty's declaration to be made public. Approved. Draft of an order in council for recording the oath relating to the security of the Church of Scotland to be transmitted to the Court of Session, to be recorded in the books of Sederunt, and afterwards lodged in the State Papers of Scotland and in the Council Register. Approved. Draft order in Council determining the form of proclamation for proclaiming Your Majesty in the realms and in the British Overseas Territories. Approved. Draft of an order in Council authorising the Lord Chancellor to make use of the Great Seal for sealing all things whatsoever that pass the Great Seal until another Great Seal be prepared and authorised. Approved. Draft of an order in Council authorising the Lord Privy Seal, if need be, to make use of the existing Privy Seal until another Privy Seal is prepared and authorised. Approved. Drafts of three orders in Council authorising Your Majesty's principal Secretaries of State, the Lord Chancellor of the Exchequer and the Chancellor of the Duchy of Lancaster, to use the existing seals until other seals be prepared and authorised. Approved. Draft of an order in Council authorising Your Majesty's Secretary of State for Northern Ireland to make use of the existing Great Seal of Northern Ireland until another seal be prepared and authorised. Approved. Draft of an order in Council authorising Your Majesty's First Minister of Scotland to make use of the Great Seal of Scotland until another Great Seal of Scotland be prepared and authorised. Approved. Draft of an order in Council authorising Your Majesty's First Minister of Wales to make use of the existing Welsh Seal until another Welsh Seal be prepared and authorised. Approved. Draft of an order in Council authorising the public seals authorising the respective public seals lately in use elsewhere than in the United Kingdom to be made use of until new seals be prepared and their use duly authorised. Approved. Draft of an order in Council confirming Your Majesty's wishes in relation to the Sovereign Grant Act 2011 to continue the tradition of surrendering the hereditary revenues, including the Crown Estate, to your government for the benefit of all, in return for the sovereign grant which supports your official duties as head of state and head of nation. Approved. Drafts of two proclamations. One, appointing the day of Her Late Majesty's state funeral as a bank holiday in England, Wales, and Northern Ireland. Two, appointing the day of Her Late Majesty's state funeral as a bank holiday in Scotland. And of two orders in Council directing the Lord Chancellor to affix the Great Seal to the proclamations. Approved. I now invite Your Majesty to sign both proclamations. And that, Your Majesty, concludes today's business for the Council.
लंदन से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे। चार्ल्स तृतीय ने ब्रिटेन के सम्राट के रूप में शपथ ले ली है और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। इस मौके पर उन्होंने महारानी एलिजाबेथ को याद किया, उनके समर्पण को याद किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह का उदाहरण उन्होंने पेश किया है उसी कर्तव्य निष्ठा को वो निभाएंगे और तमाम पूरी प्रक्रिया को इसमें पालन किया गया। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज देश का प्रयास है कि नेताजी की वो ऊर्जा देश का पथ प्रदर्शन करे। कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिभा इसका माध्यम बने। बदलती दुनिया हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच। हमारे साथ मिड प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्र। और आपको सीधे ले चलते हैं इस वक्त राजस्थान। गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर में भाजपा की रैली को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे जोधपुर ले चलते हैं। राजस्थान में प्रचंड विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष पुनिया जी, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह जी, राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया जी, मेरे मित्र और केंद्रीय मंत्री भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे संगठन मंत्री चंद्रशेखर जी, प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौर जी, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी, सांसद पीपी चौधरी जी, देवजी भाई पटेल जी, श्री सीपी जोशी जी, राजेंद्र गहलोत जी, डॉक्टर के लक्ष्मण जी और इन सब के नेतृत्व में बैठा हुआ राजस्थान भाजपा का पूरा नेतृत्वगण। और आज इस थार मारवाड़ की भूमि पर हर गांव से इस धूम
ढकते सूरज के नीचे इतनी गर्मी में आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मैं यहां आने से पहले कम से कम 10 बार हमारे सतीश पुनिया जी के सामने नाराजगी व्यक्त करता था। कितनी धूप में दोपहर 2 बजे आपने क्यों कार्यकर्ता संगम रखा? शाम को 4 बजे नहीं रख सकते थे क्या? सुबह नहीं रख सकते क्या? मगर आज यहां पर एक भी कुर्सी खाली नहीं है, खींचो खींच 25,000 लोग बैठे। मैं मारवाड़ की वीर भूमि के ये सभी कार्यकर्ताओं का, पार्टी राजस्थान और देश के प्रति जो आपका प्यार है, उसको दो हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्र, माताओं, भाइयों, बहनों, ये मारवाड़ की भूमि वीर दुर्गादास राठौर की भूमि, जिस दुर्गादास राठौर की वीरता के चर्चे न केवल राजस्थान, कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरे देश भर में होते हैं। जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन मुगलों के शासन के सामने, अन्याय के सामने, धोखे के सामने लड़ने के लिए बिता दिया और अंत में संन्यास्त लेकर क्षिप्रा के तट पर अपने प्राण त्यागे, ये महान वीर दुर्गादास राठौर को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां पर आया हूं तब सुबह ही मैं तनोट मां के तीर्थ स्थान को मोदी जी ने 19 करोड़ के खर्च से एक बहुत बड़ा यात्रा धाम करने का निर्णय किया है, उसका भूमि पूजन कर आया हूं। ये माने 65 और 71 के युद्ध में हमारी पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित किया था। आज भी 43 डिग्री टेम्परेचर में हमारा जवान मां को प्रणाम कर सीमा पर खड़ा रहता है तो हमारे दुश्मनों के दांत खट्टे कर ही वापिस आता है। मोदी जी ने 19 करोड़ खर्च कर वहां पर एक बहुत बड़ा यात्रा धाम बनाने का निर्णय किया है। मैं पूरे राजस्थान और मारवाड़ की जनता की ओर से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। मित्रों, ये वही भूमि है जहां 1998 में श्रद्धेय अटल जी ने पोखरण विस्फोट कर भारत को अणु महासत्ताओं में शामिल करने का काम किया था। यही भूमि है जिसने जब कभी भी, चाहे मुगलों के सामने लड़ना हो, चाहे पाकिस्तान के सामने लड़ना हो, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब राजस्थान भाजपा को जनसंघ के समय थे मजबूत करने वाले लाल कृष्ण अडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, आचार्य गिरिराज किशोर, ललित किशोर चतुर्वेदी जी, भवनलाल शर्मा जी, रामदास अग्रवाल जी, रघुवीर सिंह जी कौशल, मदनलाल सैनी जी को याद करता हूं और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत कर। यही वो लोग थे जिन्होंने राजस्थान को बदलने का काम किया। माताओं, भाइयों, बहनों, हम भाजपा के कार्यकर्ता के नाते दुखी है कि आज जिस प्रकार की सरकार चल रही है राजस्थान में, सरकार ने
राजस्थान को विकास की दौड़ में मीलों तक पीछे छोड़ने का काम किया है। मैं गहलोत सरकार की बाद में बात करता हूं। जब जब भाजपा की सरकार आई, पहले भैरव सिंह जी की आई, काम के बदले अनाज की योजना लेकर आए, राज्य भर से चुंगी समाप्त कर दी, नगर निकाय पंचायत के चुनाव में माताओं बहनों को आरक्षण दिया और जिला पंचायत तहसील पंचायत में दलीय स्थिति में चुनाव लड़ने का सुधार किया। पूर्ण बहुमत न होने के बावजूद भी बेरोसी ने राजस्थान के विकास के लिए काम किया। फिर आप सभी ने मिलकर हमारी बहन वसुंधरा जी को मौका दिया, वसुंधरा जी की सरकार बनी, वसुंधरा राजे जी ने सबसे बड़ा काम किया, 3 लाख तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था भामाशाह योजना कर की, 5 रुपये में नाश्ता और 8 रुपये में भोजन दिया, टोल टैक्स से मुक्ति दी, किसानों को 1000 रुपया बिजली बिल में सब्सिडी दी और जल स्वावलंबन अभियान भी शुरू किया। इसके साथ साथ गांव और शहरों में गौरव पथ योजना से विकास को पहुंचाने का काम किया। किसानों के 50,000 तक के ऋण को सिर्फ वादा नहीं, माफ करने का काम भी वसुंधरा जी ने किया। अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों का 2 लाख तक का ऋण उन्होंने माफ करने का काम किया और ढेर सारे कामों से उन्होंने राजस्थान को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब आप लोगों को कहने आया हूं, अभी देश में कांग्रेस की 2 सरकारें हैं। कितनी सरकारें हैं भाई? ओ कैमरा महाशय, इस ओर कर दो कैमरे को। अभी देश में कांग्रेस की 2 सरकारें हैं। कितनी हैं? दोनों का चुनाव 23 में है। कब है? छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर भाजपा सरकार होती है तो क्या बचेगा? जोर से बोले, क्या बचेगा? करने जैसा काम है या नहीं है? है या नहीं है? तो मुझे बताओ मारवाड़ के भाइयों बहनों कार्यकर्ताओं, 2023 में भगवा झंडा फहराओगे क्या? पक्का? मित्रों, सरकारें बनती है, सरकारें बनती है। सरकारें बनती है कार्यकर्ताओं के जोम और जुस्से से। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, इतनी गर्मी में 25,000 कार्यकर्ता 11 बजे से 3 बजे तक बैठे हैं, वो ही बताता है यहां सरकार बनने जा रही है। कार्यकर्ता सशक्त बूथ बनाता है, कार्यकर्ता सशक्त मंडल बनाता है और वही तो चुनाव जिताता है। मित्रों, लगभग 52,000 बूथों में से 52,000 बूथों में से 47,000 बूथों तक बूथ के कार्यकर्ता के फोटो के साथ का रजिस्टर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बनाया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, अभी ये राहुल बाबा, अरे भाई क्यों हंस रहे हो? हंस क्यों रहे हो? बोलो भारत माता की। अभी ये वो राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं।
मित्रों, मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं, भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो? किस किताब में पढ़े हो? ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लाखों लोगों ने अपने सर कटवाकर भूमि को लाल करने का काम कर दिया। ये तो ये राष्ट्र है जहां हजारों बहनों ने जोहर करकर अपने आप को समान के लिए और देश के लिए जिंदा आग में झोंक दिया, अग्नि कुंड में झोंक दिया। और आपको ये राष्ट्र नहीं लगता है? ये राहुल बाबा भारत जोड़ने निकले हैं। मुझे लगता है कि उनको भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। और गहलोत साहब जोधपुर के ही है, मैं उनके गांव में आकर बोलता हूं, गहलोत जी ध्यान से सुनिएगा, आपके वादे याद कराने आया हूं। 2018 में राहुल बाबा के साथ अंट संट वादे किए थे, 5 साल होने को आए, भारतीय जनता पार्टी आपका हिसाब मांगती है। क्या हुआ? 10 दिन के अंदर किसानों का ऋण माफ करने का क्या हुआ? मुझे बताओ भैया, किसानों का ऋण माफ हुआ है क्या? जोर से बोलो, हुआ है क्या? गहलोत से हिसाब मांगोगे? मित्रों, उन्होंने कहा था 3500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये युवा खड़े हैं, किसी को मिलता है क्या? मिलता है भाई? हिसाब मांगोगे क्या? मित्रों, 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। अरे गहलोत साहब, 10% का भी सूची तो दिखा दो जरा। अरे युवाओं बोलो जरा, मिली है रोजगारी? मिली है रोजगारी? आप नहीं दे सकते। मित्रों, वसुंधरा जी गई तब राजस्थान में बेरोजगारी की दर 5.4% थी, गहलोत सरकार ने बढ़ाकर 32% करने का काम गहलोत सरकार ने किया। मित्रों, मोदी जी ने अभी पेट्रोल पर टैक्स कम किया, भारत सरकार का टैक्स तो कम करा। भाजपा की जहां जहां सरकारें थी, सभी राज्य सरकारों ने वेट कम करने का काम करा, मगर गहलोत जी ने नहीं किया। आज देश में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल कहीं मिलता है तो राजस्थान के अंदर मिलता है। मारवाड़ वालों, हिसाब मांगोगे या नहीं मांगोगे? अरे जोर से बोलो, मांगोगे या नहीं मांगोगे? सबसे बड़ी महंगी बिजली देश में कहीं पर मिलती है तो मेरे राजस्थान के अंदर मिलती है। मित्रों, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जोर से बोलो, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अरे उखाड़ कर फेंक दो गहलोत सरकार को, हम आकर टैक्स भी कम करेंगे, बिजली के दाम भी कम करेंगे। मित्रों, गहलोत सरकार विकास का काम नहीं कर सकती, रोड रास्ता नहीं बना सकती, बिजली के कारखाने नहीं लगा सकती, किसानों को बिजली नहीं मुहैया करा सकती, युवाओं को रोजगारी नहीं दिया सकती। वो कर सकती है तो वोट बैंक की राजनीति कर सकती है, तुष्टिकरण की राजनीति कर सकती है। मुझे बताओ भैया, हमारे भाई कन्हैया लाल दर्जी मारा गया, निर्ममता के साथ मारा गया, ये सहन कर लेंगे क्या आप? कर लेंगे? करौली की हिंसा को सहन करेंगे? हिंदू त्योहार पर प्रतिबंध लगाना सहन करेंगे? रामनवमी की शोभा यात्रा न निकालना सहन करेंगे? विजयादशमी के पथ संचलन को रोकना सहन करेंगे?
अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ना सहन करोगे क्या? मित्रों, छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़, नोहर, मेवात, मालपुरा और जयपुर में सुनियोजित दंगे एक कांग्रेसियों ने कराए हैं, कांग्रेसियों ने कराए हैं। मैं तो गहलोत साहब को इतना कहना चाहता हूं कि अगर संभलता नहीं है तो पहले छोड़ दीजिए, राजस्थान की जनता भाजपा को लाने के लिए तैयार बैठी है। मित्रों, जिस प्रकार से झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि को पीट पीट कर मार दिया गया, महंत विजयदास जी जो श्री कृष्ण क्रीड़ा स्थली की पहाड़ियों में खनन बंद कराने के लिए उपवास पर बैठे थे, उनको खनन माफियाओं के खिलाफ आत्मदाह करना पड़ा और 15 दिन पहले आत्मदाह करने की चेतावनी देने के बावजूद भी ये भ्रष्ट गहलोत सरकार ने खनन माफियाओं पर कोई कार्यवाही नहीं की और वो संत अपने आप को जलाने के लिए मजबूर हो गए। मित्रों, मुझे बताओ, इस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में पहले कभी सुनी है क्या आपने? गहलोत सरकार का प्रशासन पर कोई कंट्रोल नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर तो ऐसा हुआ है, गहलोत सरकार, लॉ एंड ऑर्डर अंग्रेजी शब्द है मगर उसको हिंदी में पढ़ती है, वो लॉ एंड ऑर्डर की जगह लो और ऑर्डर करो, पैसा लो और ऑर्डर करो, इस प्रकार से काम करती है। मित्रों, महिलाओं के खिलाफ 56% केस बढ़े हैं। जयपुर में महिला शिक्षक को जिंदा जला दिया गया है। दौसा में आदिवासी महिला का अपहरण करकर गैंग रेप किया गया। राजस्थान में जो 42,000 मामले थे वो बढ़ते बढ़ते 50,000 से ज्यादा हो गए। मित्रों, ये संभाल नहीं सकते। गौ माता भी यहां पर सुरक्षित नहीं है और इसके सामने नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने सिर्फ राजस्थान में 23 मेडिकल कॉलेज मंजूर किए हैं। मित्रों, 23 मेडिकल कॉलेज मंजूर किए, कितने रोड दिए, रास्ते दिए, ट्रेनें दी, ढेर सारा काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और अभी आपने देखा होगा कोची में अपने भारत में बना हुआ विक्रांत मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित करने का काम किया और नौसेना के झंडे पर इतने साल से गुलामी की जो निशानियां थी उसको उखाड़ फेंक कर शिवाजी महाराज के चिन्ह को प्रस्तावित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है और देश को शिक्षित भी करने के लिए नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं। 24 में फिर से एक बार सभी की सभी सीटें राजस्थान से मोदी जी की झोली में डालनी है। बताओ मारवाड़ वालों, डालोगे क्या? डालोगे क्या भाई? ऐसे नहीं होता, 24 के पहले 23 आता है और 23 में अगर सरकार नहीं बनी तो नहीं होता है। 24 में सभी सीटें जीतती है तो 23 में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी, मुझे बताओ, बनाओगे फिर से एक बार 2/3 बहुमत की सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? कमल फूल की सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ और विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत।
माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो जोधपुर से आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और वहां पे एक रैली को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।